Prashnan Prachasi Brahmishtho Siti Tasmat Deham Bravini Atmanayesha Prano Jayate. Prathageva sannidhatte
Yathayena prakarena loke raja samradeva Grāmādiśvadhikṛtān viniyunte katham etān grāmān etān grāmān adhitiṣṭhasveti Evameva yatha drishtantah Esha mukhya pranaitaran pranans chakshuradinatma bhedamscha Prathak prathage vayathas Thanam sannidhatte viniyunte So, Rishi Ashvalayan ne Kaushalya ne Chhe prashna Maharshi Pipalag ke saamne rakha hai प्राण का जन्म कहाँ से हुआ किस प्रकार से यह शरीर में आता है किस प्रकार से जाता है किस प्रकार से प्रतिष्ठित होता है किस प्रकार से अध्यात्म को धारण करता है और किस प्रकार से बाह्य को धारण करता है तो प्राण के संबंध में महर्षि अश्वलायन ने ये छह प्रश्न किया और इसके उत्तर में महर्षि पिप्पलाद जो सद्गुरु हैं इस श्रुति में तो उन्होंने पहला जो उत्तर दिया है बोले तुम्हारी प्रज्ञा उपासना से भजन से ब्रह्म सेवा से तो अत्यंत निर्मल हो गई है और इसीलिए इतने सूक्ष्म विषय में प्रवेश कर पा रही है और करना चाहती है आत्मा से ही प्राण की उत्पत्ति हुई और चेतन से वास्तव में किसी भी प्रकार का परिणमन होकर के उत्पत्ति हो नहीं सकती इसलिए भी यह जानना चाहिए यह जो अभिमानी है जीव है इस जीव की सत्ता कुछ वैसी ही है जैसे पुरुष के देह की पड़ी हुई छाया की सत्ता होती है वह हिलती डुलती हुई दिखाई देती है मानव व्यवहार करते हुए भी दिखाई देती है उसमें आकृति सामान्य भी है आकार भी है लेकिन उसकी अपनी कोई सत्ता वास्तव में है नहीं एतस्मिन् एतद् आततम् वह छाया निरंतर सदा सदा तो पुरुष देह के प्रति समर्पित होती है देहाश्रित है और वास्तव में देखा जाए तो वहाँ आश्रय आश्रित संबंध है नहीं क्योंकि छाया का
वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं है। आश्रय आश्रित संबंध भी तभी बनता है जब आश्रय और आश्रित दोनों की सत्ता सम हो। जैसे घट की सत्ता और जल की सत्ता दोनों की ही सत्ता सम है, इसलिए जल घट में रखा जाता है। जल आश्रित होता है घट के, लेकिन जहाँ सत्ता सम न हो, सत्ताएं परस्पर विषम हो, वहाँ पर आश्रय आश्रित संबंध बनता नहीं। वहाँ जब इस प्रकार की बात कही जाती है, उसका अर्थ होता है कि जब हम छाया को प्रधान बना करके देखते हैं, तब उस समय भी इतनी बात कही जा सकती है कि जिसको आप इतना प्रधानता दे रहे हो, वह भी निरंतर तो देह के प्रति समर्पित है, देह के प्रति आश्रित है। वह कभी भी स्वतंत्र नहीं है। अभिप्राय ये हुआ कि जब हम जीव को प्रधानता दे करके सोचते हैं, जीव में अभिमानी में, तो मिथ्या बुद्धि नहीं बन पा रही है। उस समय जब हम जीव को प्रधान बना के ही देखते सोचते हैं, तो कम से कम इतनी बात धारणा में लानी चाहिए कि जीव चेतन के प्रति आश्रित है, चेतन के प्रति समर्पित है, और चेतन की सत्ता की अपेक्षा से जीव की जो सत्ता है वो अनृत सत्ता है, न्यून सत्ता है, मिथ्या सत्ता है। हालांकि यहाँ भी व्यवहार है, जैसे छाया हिलती डुलती है, जैसे छाया में आकृति है, कभी कभी तो इसके ऊपर कलाएं विकसित की जाती हैं। पर्दे के ऊपर छाया के जरिए एक कोई नाट्य प्रस्तुत किया जाता है, हमने देखा है। तो अपने हाथ से ही वो ऐसे करते हैं, वो छाया पड़ती है तो किसी पशु का आकार बन जाता है, पशु आपस में बात भी करते हैं, लड़ते भी हैं, वो छायाएं दिखाई देते हैं। ये एक बड़ी कला है, लेकिन वहाँ कुछ होता तो है नहीं। व्यवहार भी दिखाई देता है, आकार भी दिखाई देता है। बुद्धि को अगर सावधान न हो तो ये भ्रम हो सकता है कि वहाँ पर कुछ है, और न केवल है बल्कि वो व्यवहार कर रहा है। इसके बावजूद जो सच्चाई को जानता है, वो जानता है कि यहाँ कुछ वास्तव में है ही नहीं। तो श्रुति की दृष्टि में यह जो अभिमानी है, श्रुति की दृष्टि में यह जो जीव है, प्राण है, उसकी स्थिति यही है। यह भी किसी साधक को ग्रहण हो जाए, समझ में आ जाए, तो बहुत बड़ी घटना घटी। तो सारा प्रपंच ही मिथ्या सिद्ध होने लग जाएगा, क्योंकि सत्यत्व के भ्रम का जो केंद्र है वो पहले जीवत्व में सत्यत्व है। जीवत्व सत्य है तो उसका कर्तृत्व भी सत्य है, तो फिर उसका कर्म भी सत्य है, तो फिर कर्म से बना हुआ देह भी सत्य है, फिर देह के बाहर परिस्थितियां भी सत्य हैं। तो ये जो सत्य
बुद्धि का जो भ्रम होता है वो धीरे 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 हर चीज में विस्तृत होता चला जाता है। यानी यहाँ तक कि जो चीज़ झूठी है तो व्यक्ति कई बार उसको भी सच मानने की इच्छा करता है, भले भले झूठी हो लेकिन मुझे सुख तो देता है। अब चूंकि मेरा भोक्तृत्व सत्य है और उसको सुकून मिल रहा है, इसलिए आकाश की नीलिमा भले झूठी हो सुंदर तो लगती है। चाहे आकाश में जो तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं वो केवल प्रतीति हो, फिर भी उस पर कविता तो लिखी जाती है। अब वहाँ यह बोध होने के बावजूद आदमी उसको मिथ्या कहने की बजाय उसको कुछ अलंकार देना चाहता है, उसको कुछ उसकी महिमा उसकी बुद्धि में आती है। सत्यत्व तो छोड़ो, महिमा बुद्धि आती है। ऐसा है जैसे मैंने कहा, ये कला एक विकसित हुई। वहाँ कोई कह दे कि ये मिथ्या है तो लोगों को बुरा लग जाएगा। क्यों भाई, भले मिथ्या हो ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन वो मेरे भोक्ता को आनंद तो दे रही है। बस तो ये सत्यत्व बुद्धि का आधार क्या बन रहा है? जीवत्व। और होता यही है, वेदांत के अभ्यास में कभी गलती ऐसी होती है कि हम जगत को मिथ्या करने की कोशिश करते हैं, वो उधर से मिथ्यात्व की का कभी निश्चय हो नहीं सकता। अगर मिथ्यात्व होना है तो पहले अपने जीवत्व में मिथ्यात्व होना चाहिए, भोक्तृत्व कर्तृत्व में मिथ्यात्व होना चाहिए, अपने देह में कहीं मिथ्यात्व होना चाहिए, तब आगे बहुत श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमारा आरंभ सही जगह से नहीं है तो परिणाम ठीक निकलता नहीं है। तो हम शुरू करते हैं कई बार कि ये जो वन है वो मिथ्या है, ये जो सूर्य है वो मिथ्या है, ये जो चंद्रमा है वो मिथ्या है। वो काहे को मिथ्या होगा? आपको आनंद मिल रहा है उससे, आपकी जरूरत पूरी हो रही है। कोई किसान के सामने खड़ा होके कहे कि खेत खलिहान, तो दूर खड़ा होके बोलना चाहिए, पास से नहीं बोलना, नहीं तो किसान के हाथ में कुछ न कुछ होता ही है। तो वो जो भी उसके हाथ में बेचारा है तो उसी से वो आपकी सेवा करेगा। तो वो सेवक तो है ही है, किसान तो सेवक करेगा, चाहे लाठी से करे, चाहे डंडे से करे, चाहे जैसे भी करे। उसने मेहनत करके 2 महीने में फसल बढ़ाई। आरंभ, विचार का आरंभ, सत्यत्व के भ्रम का निवारण भीतर होना है, कर्तृत्व का भ्रम निकलना है, भोक्तृत्व का भ्रम निकलना है। इस श्रुति को निदिध्यासन के समय स्मरण करें, यथैषा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतत्प्राततम्। यह तो जीवत्व जो है वो छाया की तरह है और निरंतर चेतन के प्रति समर्पित है। दूसरी श्रुति आपको मिली है, पहली आई छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति, कठोपनिषद में ही बात है। तो एक उत्तर तो हो गया, आत्मनः एष प्राणो जायते। फिर कहा,
किस तरह से ये प्रतिष्ठित होता है, किस तरह से शरीर में आता है, किस तरह से शरीर से जाता है, तो इस शरीर में कैसे आता है, इसका उत्तर भी ऋषि ने दे दिया। मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, मनोकृतेन का अर्थ किया मन के द्वारा, संकल्प संकल्प से, इच्छा इच्छा से, कर्म कर्म कृतेन। अब उत्तर देते हैं कथम प्रातिष्ठते, ये प्रश्न क्या था, बोलते हैं आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते। अब इसका उत्तर है, दृष्टांत दे रही है श्रुति, बड़ी कृपा है, बोलते हैं यथा सम्राट, जिस तरह से समाज में सम्राट होता है, सम्राट माने राजा, सम्राट, राट शब्द का अर्थ होता है चमकना, सम्यक प्रकारेण राजते, राट शब्द से ही बनता है राजा, तो राट, इसी तरह से विराट शब्द इसी तरह से बना है, विशेषेण राजते इति विराजते, विराज विराजते, जो विराजमान है, देदीप्यमान है, कहाँ बुद्धि जा रही है, श्रवण में ही रखें, जो देदीप्यमान है, आदमी कई बार डिक्शनरी की तरफ जाने लगता है, वो नहीं होना चाहिए, पहले बुद्धि वहीं रहे जहाँ शब्द निकल रहे हैं। चित्त का ये भी अभ्यास बहुत जरूरी है, नहीं तो वो किसी निमित्त से किसी की स्मृति करता है और तद देश में चला जाता है। स्मृति का एक विज्ञान मैंने पढ़ा, हालांकि उससे मेरी सहमति बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि कई बार विपरीत के स्मरण का निमित्त बनता है दृश्य, बहुत लंबे आदमी को देख के छोटे की स्मृति आ जाए, सादृश्य के स्मृति का भी निमित्त बनता है और विपरीत के भी, ऐसे बोलते हैं, विद्वान को देख करके तो अब शब्द को ही बोला जाए, फिर पता चला चित्त जो है किसी और देश में विचरण करना शुरू हुआ, तो भगवान की लीला ऐसी है कि वो चेहरे का रंग बदल देता है, आँख बदल देता है, वो दिखाई देता है कि इस आदमी का मन तो इसको छोड़ के गया। आप तो आपको क्या लगेगा कि ये कहीं ढूंढ रहा है, फिर वो व्यक्ति झूठलाना चाहता है, किसको झूठलाना, उससे किसको नुकसान होगा। बोले सम्यक राट, सम्राट, अब ना स्वाभाविक है प्रजा की अपेक्षा उनकी महिमा शानो शौकत गरिमा सब ऊंची होती है, लोग आगे पीछे होते हैं, तो इस लक्षण सामान्य से राजा को बोल देते हैं सम्राट, यथा येन प्रकारेण लोके राजा, राजा ही वो व्यक्ति है जो अधिकारों का आवंटन करता है, कोई साधारण व्यक्ति अधिकारों का आवंटन नहीं कर सकता, वही कहता है, चाहे उसके शब्द थोड़े बदल जाएं, रूप रंग बदल जाए, लेकिन अधिकारों का आवंटन करने वाला राजा होता है। तो यहाँ आवंटन का रूप क्या दिखाया, बोले अधिकृतान विनियुंते, जो अधिकृत लोग हैं उनका उनकी नियुक्ति करता है वो, ग्रामादिशु अधिकृतान
विनियुंते। तो मानो अब पहले छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, तो एक दृष्टांत है ये। तो उसके पास मानो 2000 गांव हैं, 20,000 गांव है, चलो बहुत बड़ा कर देते हैं, तो क्या बोले, वैसे तो 500 गांव भी नहीं होते थे लोगों के पास, किसी के पास 4-5 गांव हैं तो राजा साहब ठीक है। तो वो ग्रामों के अधिकारियों को नियुक्त करता था, कैसे, एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व, ये गांव आपके जिम्मे हैं, ये गांव आपके जिम्मे हैं, इस तरह से वो तो नामांकित कर देता था सीधे सीधे। अब वो प्रक्रिया चाहे थोड़ी बदल गई हो, लेकिन अभी भी बात तो यही है, आवंटन करने वाली जो शक्ति है वो सम्राट ही है, चाहे वो जिलाधीश की नियुक्ति करे। पहले ग्राम के जमींदार की नियुक्ति होती थी, ये आपकी जमींदारी रही, ये आपकी जमींदारी रही, ये आपकी जागीर है, बोले ऐसा। अब आज जिलाधीश कह लो, पुलिस के SSP को कह लो, जो भी व्यवस्था है उसमें बंटवारा मुख्य यहाँ बिंदु क्या है, आवंटन करने वाला कोई न कोई सम्राट सदृश ही होता है। तो प्राण की स्थिति क्या है, सम्राट की तरह है, ये बताना चाहते हैं। इस दृष्टांत का जो मुख्य फोकस है वो इस बात पर है कि देखो, आत्मा की दृष्टि से तो वो छाया मात्र है, कैसी विडंबना है। आत्मा की दृष्टि से उसकी सत्ता छाया की तरह है, और वो निरंतर आत्म चैतन्य पर आश्रित है, लेकिन जैसे ही दृष्टि बदलती है और देह के संदर्भ में जब हम प्राण को देखते हैं, इंद्रियों के संदर्भ में जब हम प्राण को देखते हैं, तब वही जो छाया है वो सम्राट है, शक्ति का मूल पुंज है, शक्ति का मूल केंद्र है। ओहो, बोलते हैं एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व, यथा सम्राट नियुंते विनियुंते अधिकृतान। ठीक इसी तरह से एवमेव यथा दृष्टांत है, जैसे दृष्टांत है, ठीक इसी तरह से प्राण क्या बोलते हैं, इति एवम एव एष प्राण, श्रुति में देखें, एष प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते, एष मुख्य प्राण, यह जो मुख्य प्राण है माने जीवात्मा जो है, इसको समझो अश्वलायन, यही जो जीवात्मा है केवल यही सम्राट की तरह इतरान प्राणान का अर्थ है चक्षुरादीन। इतरान प्राणान श्रुति में है, भाष्य में है चक्षुरादीन, इतरान प्राणान चक्षुरादीन, ये क्या है, आत्मभेदान माने जीवात्मा के अपने ही भेद हैं ये। इन बातों को धारण करते जाना, ये इंद्रियां कोई स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ये सब की सब, श्रुति कह रही है, जीवात्मा के खुद के अपने ही भेद हैं। जीवात्मा मानो अंगी है और ये सब के सब उसके अंग हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक एक इंद्री की अपनी अपनी सत्ता है। और आश्वलायन ने प्रश्न भी यही किया था, क्या है वो वाक्य, आत्मानं प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते,
ये कोई पराये नहीं है जिनको कि वो नियुक्त कर रहा है। नो, जो भी इतर प्राण हैं वो सब के सब उसके अपने ही भेद हैं। जीवात्मा ही चक्षुरादि इंद्री के रूप में प्रस्तुत हुआ है। कभी ध्यान करते समय इन बातों को देखो समाहित होके, कोई इंद्रिय अलग नहीं है। और अगर ये अलग नहीं है इसीलिए जब श्रुति कहती है कठोपनिषद की कि इंद्रियों को मन में विलीन करो, मन को बुद्धि में करो, बुद्धि को महत्तत्व में करो, ये विलीन तभी हो सकते हैं जब वहीं से वो आए हों। नहीं तो किसी और को किसी और में विलीन नहीं किया जा सकता। यहां बड़ सुंदर वाक्य आया, बोले आत्मानम इतरान प्राणान चक्षुरादीन आत्मभेदांश्च, अपने ही जो भेद हैं वो पृथक पृथक एव यथास्थानम सन्निधत्ते, सन्निधत्ते मने विनियुंते। अब विभाग कैसे किया है उसने, इसका विस्तार करते हैं। ये हमने प्रकरण ग्रंथों में ये बातें पढ़ी हैं, लेकिन वहाँ जो बातें कही गई हैं वो आई कहाँ से हैं, उसका सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है, क्या कहीं श्रुति में विस्तार से हर जगह उपलक्षणा ही लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं उसका विस्तार भी होना चाहिए। तो श्रुति यहाँ प्रश्नोपनिषद की श्रुति देखो इंद्रियों के बारे में विस्तार से बात करती है। तो देखिए अगला मंत्र, पायुपस्थे पानम चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणस्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तु समानः एष हि एतद्हुतम् हुतम्, एतद् हुतम् अन्नम् समं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति वायुपस्थे पानं चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणस्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तु समानः एष एतद्धुतम् अन्नम् समम् नयति एष एतद्धुतम् अन्नम् समम् नयति धुतमन्नम् समम् नयति एष एतद् धूतमन्नम् समम् नयति। तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति, पायुपस्थे पायुश्च उपस्थश्च पायुपस्थे
आयुपस्थं तस्मिन् अपानमात्मभेदमुत्र पुरीषाद्यपनयनं कुर्वन् तिष्ठति सन्निधत्ते तिष्ठति सन्निधत्ते तथा चक्षुश्रोत्रे चक्षुश्च श्रोत्रं च चक्षुश्रोत्रम् तस्मिन् चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां च मुखं च नासिकाच्च ताभ्यां मुखनासिकाभ्यां च निर्गच्छन् प्राणस्वयं सम्राट् स्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति मध्ये तु प्राणापानयोस्थानयोर्नाभ्याम् समानोषितं पीतं च समं नयतीति समानः एष हि यस्माद्यदेतद्धुतं भुक्तं पीतं चात्माग्नौ प्रक्षिप्तमन्नं समं नयति तस्मादशितपीतेन्धनादग्नेरौदार्याद्हृदयदेशम् तस्मादशितपीतेन्धनात् अग्नेः औदर्यात् हृदयदेशम् ह ह संधि की वजह से ह का ध होता है हृदयदेशम् प्राप्तात् एताः सप्तसंख्याकाः सुना करो पढ़ने तो पढ़ना है सुनती नहीं बीच में आवाज आती है गलत वो मैं बोल रहा हूँ विसर्ग के साथ हर बार कोई न कोई गलती करता है ध्यान से सुन करके जो बोला जाता है वो बोलिए आपको कोई शंका अगर है होनी नहीं चाहिए अगर है तो बाहर चल के पूछो फिर वो अटक जाता है ये आदमी सुन रहा है कि पढ़ रहा है क्या कर रहा है कल भी बोला था मैंने कान इधर होना चाहिए किताब तो आपकी मदद के लिए सामने है किसी जमाने में किताब होती नहीं थी तो एक बार टोका दो बार टोका समझ में आना चाहिए ना और सबके लिए बोल रहा हूँ जो शब्द बोला जाता है वो बोलना है आपको नहीं अगर पढ़ना हो मैंने पहले कहा फिर अपने कमरे में रहो ध्यान नहीं है तो फिर क्या मतलब है उसका दोहरा के बोलता हूँ तीन बार बोलता हूँ तो तुम क्या समझते हो तुम लोग कि हम गलती करके बोल गए फिर तुम लोग सुधारोगे उसको
तो ये सुधार कमेटी बैठी है क्या मेरे सामने? समझना चाहिए। एक कितना हो गया, 1.25 साल हो गया, अभी इतनी समझ नहीं आती। सीधे बैठे बीच में हमेशा, कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हुआ। प्राप्तादेताः सत्यसंख्याकाः अर्चिषोदीप्तयः निर्गच्छन्त्यः भवन्ति शीर्षण्यः प्राणद्वारा दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशा इत्यभिप्रायः। द्वारा दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशा इत्यभिप्रायः। पायुपस्थे पानम कथम प्रातिष्ठते तत्र विभाग। अब उस विभाग का निरूपण करते हैं। पायुपस्थे पायुश्च उपस्थश्च पायुपस्थम तस्मिन्, इस समास विग्रह देखें। पायुपस्थे द्वंद समास के बाद फिर सप्तमी लगाते हैं। पायुश्च उपस्थश्च पायुपस्थम, फिर तस्मिन लगाने से पायुपस्थे एवं पायुपस्थे पायुश्च उपस्थश्च पायुपस्थम तस्मिन। पायु में, उपस्थ में, इन दोनों गोलकों में इंद्रिय की बजाय यहाँ अर्थ लेना चाहिए दोनों गोलकों में। दोनों ही गोलक में जो मुख्य प्राण है जीवात्मा, वो अपान बन करके बैठता है। उसने मानो अपान को अधिकृत किया कि तुम वहाँ जा करके निवास करो, तुम्हारी वो भूमिका है। किस तरह से भूमिका है बोलते हैं, और अपान है क्या? अपानम आत्मभेदम। अपान उसका स्वयं का अपना ही भेद है, स्वयं ही है वो अपान रूप से, तो गोलक में बैठता है। क्या करता है वहां? बोलते हैं मूत्र पुरीष आदि अपनयनम कुर्वन्न तिष्ठति। कुर्वन्न ये शत्रु प्रत्यय है, आगे त होने के कारण फिर स होता है उसका। इस संधि सीखी नहीं कायदे से, तो जब हम तोड़ के बोलते हैं उस समय आपको बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, जिससे कि आपको पहले समझ में आ जाए। बजाय इसके तो आप स्वयं अपनी बुद्धि लगाना शुरू करते हैं, तो न तो वो जो बोला हुआ है वो समझ में आता है, लिखा हुआ तो कैसे समझ में आएगा। तो मैंने पहले इग्नोर किया, एक आवाज आई कुर्वस्तिष्ठत, वो गीतिका की ओर से ही है, गीतांजलि की ओर। कुर्वस्तिष्ठति माने इसका मतलब है तुम पढ़ती हो, सुनती नहीं हो, पढ़ती हो। ऐसे इधर से भी कभी कभी कोई बात आती है, एक आदमी मानो विसर्ग बोलता है, दूसरा इसका मतलब है वो डिपेंड कहाँ कर रहा है, किस चीज पर निर्भर कर रहा है। तो वहां तो संधि करके लिखी हुई,
जब बोला जा रहा है तो आप उस पर निर्भर करो, सावधान रहना चाहिए। उससे हमें कैसा लगता है, इसका मतलब ये आदमी सुन नहीं रहा है तो मैं किसको बोल रहा हूँ। सावधान होना चाहिए। इतना टाइम हो गया, अभी जब बाहर निकल जाओगे तब सब सीखोगे क्या आप? कभी नहीं सीखोगे। अपानम आत्मभेदम मूत्रपुरीषादि अपनयनम कुर्वन्न तिष्ठति सन्निधत्ते। तो सन्निधान किया, नियुक्ति करी अपान वायु की दोनों गोलकों में, और उनकी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है, अपनयनम विसर्जन क्रिया करवाना। मूत्र पुरीष आदि अपनयनम कुर्वन्न तिष्ठति। तथा स्वयं जो मुख्य प्राण है वो कहाँ बैठता है? तथा चक्षुस्रोत्रे, चक्षुश्च स्रोत्रम च चक्षुस्रोत्रम, वो समास विग्रह वही है। तस्मिन् चक्षुस्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम च, माने चार जगह पे प्राण स्वयं बैठ रहा है, चक्षु में, स्रोत्र में, मुख में, नासिका में। मुख माने मुख जहाँ से बोल रहे हैं हम, तो मुख नासिकाभ्याम च, मुखम च नासिका च ताभ्याम मुख नासिकाभ्याम च निर्गच्छन्न। भूमिका क्या है? तो निर्गच्छन्न जो श्वास प्रश्वास चलती है, श्वास निश्वास चलती है, वो मानव प्राण का ही शुद्ध माने प्रमुख रूप है, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से लेता है और बाकी सारे प्राण वहीं से अपना जीवन ग्रहण करते हैं। ये माने अपान भी अगर काम करेगा तो आएगा पहले मुख से, फिर उसी का बंटवारा होगा। तो निर्गच्छन्न प्राण स्वयं सम्राट स्थानीय प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति। तो सम्राट के रूप में यह जो मुख्य प्राण है वो इन जगहों पर रहता है। चक्षु स्रोत्र भी कहा, चक्षु में और स्रोत्र में। असल में जो जीवात्मा का जागृत अवस्था में मुख्य निवास है वो चक्षु है। वैसे भी अभी आगे इसी श्रुति में आ जाएगा कि जो मुख है वहाँ मानो अग्नि की सात ज्वालाएं हैं। सप्तार्चिषो श्रुति में आया, सप्तार्चिषो भवन्ति। तो दो आँख हुई, दो नाक हुई, दो कान हुए, छह हुए, और एक मुख, एक मुख। ये मानव की प्राण के, सम्राट प्राण के सात ज्वालाएं हैं। ये जल रहा है, प्रदीप्त हो रहा है, अभिप्राय है प्रदीप्त हो रहा है। बोलते हैं निर्गच्छन्न प्राण स्वयं सम्राट स्थानीय प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति। मध्ये तो बीच में प्राणापानयोः स्थानयोः नाभ्याम, मध्य में माने नाभि में, मध्य कहाँ से लें, किसके मध्य में? प्राण और अपान के मध्य में। ये देखो शब्द दिया है, मध्ये तु प्राणापानयोः स्थानयोः ना मध्ये नाभ्याम, कहाँ मध्य आता है? बोलते हैं नाभि। ये वहाँ पर मुख्य रूप से समान वायु प्रतिष्ठित है, समान नाभ्याम समान है, यह अर्थ समझ लें। वहाँ रह के कर्ता क्या है, यानी भूमिका भी प्राण की स्पष्ट होनी चाहिए। बोलते हैं अशितम पीतम च समम नयति इति समान, जो खाया हुआ है, जो पिया हुआ है,
उसको समान कर देता, माने पचा देता है, इसलिए उसको बोलते हैं समान वायु। समम नयति इति समानम, व्युत्पत्ति कर दी। तो ये तीनों प्राण जो हैं अपनी अपनी जगह पर गए, अपान प्राण और समान, ये श्रुति में स्वयं आया। इसको देखो, तस्मात, इसीलिए अब उसी समान वायु की कृपा है कि वह खाए पिए हुए को फिर ऊर्जा में बदलता है। लिखते हैं तस्मात् अशीत पीत इंधनात्, जो खाया हुआ पिया हुआ है वो क्या है, एक प्रकार का ईंधन है, फ्यूल जिसको बोलते हैं। जैसे गाड़ी के लिए ईंधन चाहिए, हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए, उसी तरह से शरीर में यह ईंधन के स्थान पे है। तस्मात् अशीत पीत इंधनात् अग्ने है, तो जब ईंधन मिला उसको तो वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित हुई, उत्तृप्त हो गई। उससे क्या हुआ, औदार्यात अग्ने है, औदार्यात जो उदर देश में अग्नि बैठी है वैश्वानर के रूप में, उसने ऊर्जा में भोजन को परिवर्तित किया और वो गया फिर कहाँ, मानो महात्मा वो कहाँ गया, बोले हृदय देश में, सूक्ष्म ऊर्जा बन करके फिर वो गया हृदय देश में, हृदय देशम, और हृदय देश से फिर बनता है हृदय देश प्राप्तात्। जब वो हृदय देश को प्राप्त हुए तो वहां से फिर वही जो प्रदीप्त अग्नि है वो ज्वाला बन करके सात ज्वालाओं में विभक्त होकर के प्रकट होती है। बोलते हैं प्राप्तात् एताहा सप्त संख्याकाः अर्चिषः, अर्चिषः माने दीप्तयः, दीप्तियां बन करके प्रकट होती हैं। निर्गच माने श्रोत्र से जो श्रवण सामर्थ्य प्रकट हो रही है वो एक तरह की दीप्ति है, चक्षु से जो दर्शन सामर्थ्य प्रकट हो रही है वो एक प्रकार की दीप्ति है। इस तरह से मुख में एक दीप्ति है, नासिका में माने जो सामर्थ्य की अभिव्यक्ति हो रही है वो दीप्ति है, किसकी, उसी प्राण की। प्राण ने ही अन्न को ईंधन की तरह उपयोग किया और फिर वह हृदय देश को प्राप्त हुई, माने जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बदली, जो अन्न है वो ऊर्जा में परिवर्तित हुई और वह ऊर्जा फिर इंद्रियों को सामर्थ्य देती है, देखने की, सुनने की, बोलने की। अब इसका व्यतिरेक से कैसे अनुमान करें, मानो दो दिन उपवास करवा दो फिर देखो। कुछ लोग तो श्रवण मात्र से ही सातों दीप्तियां जो हैं वो, ये देखो, श्रवण मात्र से ही सातों दीप्तियां अंदर की ओर जाने लगती हैं, और अगर सचमुच में करवा दिया जाए वो तो देखो शिवरात्रि के दिन भी हर समय घंटी बजती है टाइम से। वो कोई उपवास का क्या मतलब है, ब्रेकफास्ट की घंटी बजेगी ही, चाहे केवल सकल ही तो कुछ और होगा, बजेगी तो सही। तो ये सातों दीप्तियों का लोप हो जाता है भाई, एक दो दिन अगर किसी को फिर भी अगर प्रयोग करना हो, प्रयोग का जमाना है, तो किचन में पहले बता दे क्योंकि उनका बनेगा तो नुकसान होगा। तो सप्तार्चिषो, ये ज्वालाएं अन्न की ही परिवर्तित ज्वालाएं हैं, लेकिन इनको परिवर्तन करने वाला समान वायु। तो बोलते हैं निर्गच्छन्त्यः भवन्ति शीर्षण्यः,
शीर्ष देश में, माने मुख देश में, प्राण द्वारा, देखो ये वाक्य कैसे निकला, प्राण द्वारा दर्शन श्रवण आदि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशाः इत्यभिप्रायः। ये जो विषयों का प्रकाश करने की सामर्थ्य आई इंद्रियों में, ये सब की सब प्राण द्वारा ही है। सो गोलकों में, तो तीन गोलकों में उपस्थिति बता दी, तीन प्राणों की उपस्थिति बता दी, अपानम, प्राण और समान। व्यान और उदान की स्थिति क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। हृदि ह्येष आत्मा अत्र एतत् एकशतं नाडीनां तासां शतं शतं एकैकस्यां द्वासप्तति द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्ति प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्ति प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्ति आसुव्यानश्चरति अथ एकया ऊर्ध्वदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम् उभाभ्याम् एव मनुष्यलोकम् अथैकयोर्ध्वदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यां मनुष्यलोकम् इस तरह से ये पांचों प्राण की व्यवस्था सातवें श्लोक तक कर दी। हृदि येष आत्मा बोलते हैं, हृदयाकाश में जो लिंग आत्मा रहता है, मैं अनुवाद केवल कर रहा हूँ, हृदि ही एष आत्मा, हृदय देश में जीव आत्मा का निवास है। आत्मा शब्द का अर्थ है यहाँ पर जीव आत्मा। अत्र, अब देखो, इसी हृदय देश में जीव आत्मा रहता है। जीव आत्मा का गोलक हो गया हृदय, हो गया। श्रुति के अनुसार जैसे नेत्र का गोलक है, नेत्र इंद्री का गोलक है ये, जैसे तो श्रोत्र इंद्री का गोलक है ये, इसी तरह से जीवात्मा का गोलक हुआ हृदय ये। अच्छा, अब चूंकि सम्राट का ये रहने का स्थान हो गया, तो वही केंद्र बना पूरे शरीर का। तो इस हृदय से नस नाड़ियों का जो विस्तार हुआ है,
कुल संख्या गिनने पर कितनी आती है? हिंदी में 37वें श्लोक के 37वें पेज पर पहली लाइन है, तो कितना? 72 करोड़, 72 लाख, 10,201। इतनी नस नाड़ियां जो हैं वो इस हृदय देश से संलग्न हैं। अब ये मेडिकल साइंस में भी इसको न काट सकते हैं न प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कौन गिने कितनी नाड़ियां हैं, नहीं इसका कोई खंडन कर सकता है। खंडन भी तब करे जब आपने गिने ही हो। तो अब श्रुति ने कहा है तो उसको परम प्रमाण के रूप में मानना चाहिए। इतनी नस नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, और इन सारी नस नाड़ियों में कौन रहता है? बोले व्यान वायु रहती है। ये बताने के लिए विभाग किया। व्यान वायु एक देश में नहीं रहती है, सर्वदेश निवासिनी है, इसलिए उसको कहा गया। देखो जरा, अत्र एतद् एक शतम नाडीनाम, ये हृदय में प्रमुख रूप से 101 नाडियां हैं। तासाम, फिर एक एक की 100-100 हो जाती हैं। तासाम शतम शतम एक ही कस्याम, 101 की फिर से 100-100 नाडियां बनती हैं। फिर 100-100 जो बनी उसमें एक एक की 72,000 बन जाती हैं। द्वासप्तति प्रतिशाखा शाखा नाडी सहस्राणि भवंती। प्रतिशाखा में ये 72,000 नाडियां फिर से निकलती हैं, और वो आपके तलवे से लेकर के शिखा तक बिल्कुल व्याप्त हैं। भवंती आंसू बहुवचन है, इन्हीं नाड़ियों में आंसू नाडीसु, इन्हीं नाड़ियों में कौन है? व्यानस चरति, व्यान विचरण करता है। इसीलिए संवेदना है, इसीलिए रक्त संचार है, नहीं तो रक्त संचार कहीं हो कहीं ना होए, संवेदना कहीं से आवे कहीं से ना आवे। आंसू व्यानस चरति। अच्छा, अगला है अथ एकया, और इनमें से एक 101 बताया था ना, तो एक ऐसी नाड़ी है जिसको सुषुम्ना कहा जाता है, वह ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी है, उसका उसी में उदान वायु विचरण करती है। उदान वायु के विचरण का स्थान बना सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी एक तरह से गोलक बन गई, इसके लिए उदान वायु के लिए। तो अथ एकया ऊर्ध्व उदानः पुण्येन। अब देखो इसका काम क्या है, उदान वायु का काम क्या? बोले उदान वायु का काम है जीव को उसके कर्म के अनुसार प्राप्त हुए लोक में ले जाना, केवल देह में ही नहीं बल्कि इसी उदान वायु के का आश्रय लेकर के जीवात्मा अभीष्ट लोक तक पहुंचता है। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, कह नयति उदानः। तो यह उदान वायु हुई है जो जीवात्मा का वहन करता है, लोक लोकांतर में उसको पहुंचाता है। पापेन पापम, और अगर पाप कर्म है तो यही उदान वायु उसको नरक आदि लोकों में ले जाता है। उभाभ्याम, और पाप पुण्य दोनों कर्मों में मिश्रित हो तो उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम।
तो ये उदान वायु का कार्य हो गया। सो पांचों वायुओं का जो स्थान है, गोलक है, वो श्रुति माता ने सामने रखा। वायुपस्थे अपानम, चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम च प्राणम स्वयं प्रातिष्ठते। फिर नाभ्या माने मध्य समानम, और फिर कहा व्यानश्चरति आंसु, आंसु माने नाडीसु, इन नाड़ियों में 72,72,10,201 ऐसा वर्ष, इतनी नाड़ियों में व्यान वायु विचरण करती है, और बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, भाष्यकार स्वयं लिखते हैं ऊर्ध्वगा सुषुम्नाख्या नाड़ी तया मिला, 38 पेज पर है, तया एकया ऊर्ध्व सन्न उदान। परिचय देखो क्या कराते हैं, उदानो वायु क्या करती है, वो आपाद तल मस्तक वृत्ति, एक वृत्ति है आपाद तल मस्तक। अब देखो सुषुम्ना की स्थिति तो थोड़ी भिन्न हो गई, यहाँ आपके मेरुदंड के मूलाधार से नहीं शुरू कर रहे हैं, कहाँ से, पाद आपाद तल मस्तक वृत्ति संचरण, यह संचार करती है पांव से लेकर के मस्तक तक, यही है जो जीव को ऊर्ध्वलोक में ले जाती है अथवा अधोलोक में ले जाती है इत्यादि। तो Okay.